कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने होंगे बेटा। तो सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है वो ये समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो ध्यान रहे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल दोगे कि सर टू और मोर पार्टनर्स या टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड कैरिंग देयर बिजनेस दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। नहीं बेटा, अब सिंस आप 12th में हो, बोर्ड्स देना है, तो बेटा ध्यान रहे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर्स रखने होंगे। तो जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो ध्यान रखना आप उसको डिफाइन कैसे करोगे। अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 4, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब डिफाइन करेंगे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. अब इसका जरा मतलब भी समझना बेटा कि पार्टनरशिप होता है बेटा दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एक रिलेशन होता है, बिजनेस रिलेशन होता है, जो एग्री करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका जरा मतलब समझना बेटा, क्या आपने क्लास 11th के अंदर जब बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप पढ़ा था तो वहां साइलेंट पार्टनर या पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली इस टाइप के पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था? सारे बच्चों सबने नहीं पढ़ा क्या भाई? हमने ये चीज पढ़ रखा है पहले भी क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में कि पार्टनर्स कई टाइप के होते हैं। इसमें से एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, एक होता है पार्ट राइट, एक होता है पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। कुछ याद आया सब बच्चों को? ठीक है, बस इतना ही याद रखना। तो मतलब ये है बेटा कि अगर सपोज करो तीन पार्टनर हैं, एक दो तीन पार्टनर है बेटा, हो सकता हो दो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, तो एक्चुअल में सारा का सारा काम कौन कर रहा होगा? एक ही पार्टनर कर रहा होगा, ठीक है। सो या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या फिर तीनों पार्टनर यानी कैरीड बाय ऑल, तो दोनों केस में वो जो होगा वो पार्टनरशिप ही होगा बेटा। सो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, सिंपली आप मेंशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर बिजनेस प्रॉफिट carried on by all or any of them acting for all. क्या सब बच्चों को ये चीज समझ में आ गई बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन? हाँ बोलो। हाँ जी ठीक ओके। अब आता है इस चैप्टर का यानी फंडामेंटल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्टनरशिप डी। सी, डीड का मतलब होता है बेटा रिटन एग्रीमेंट। डीड का मतलब ही क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। सो बेटा जब आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या होता है, पार्टनर्स का आपस में एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता है बेटा, जिसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग विद बिजनेस मेंशन होती है, जैसे कि आप बिजनेस की कितनी ब्रांचेस रखोगे, बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स कैसे वर्क करेंगे, एक्टिव पार्टनर कौन है, स्लीपिंग पार्टनर कौन है, मिनिमम पार्टनर कौन है, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली कौन है, इस तरीके से करके बेटा बहुत सारी चीजें मेंशन होती है और उस पे पार्टनर्स अपना अपना साइन करते हैं, तो बेटा वो हो जाता है रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर क्लियर? रुको तो सही बताता हूं, पहले बता ये समझ में आया कि पार्टनरशिप डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट होता है? ओके, ध्यान रखना बेटा दो तरीके से ये डीड हो सकती है, एक ओरल डीड हो सकती है, एक रिटन डीड हो सकती है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, बट जो ओरल एग्रीमेंट होता है बेटा उसको हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब वहां पर हमने ओरली तो बोल दिया बट उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है,
तो हम उसको बोलेंगे बेटा या तो विदाउट पार्टनरशिप डीड बोलेंगे उस बिजनेस को, या हम बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप बिजनेस ओरल या फिर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। बात समझ में आई सब बच्चों को? ठीक है, तो अगर बेटा कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस ओरल एग्रीमेंट पे अगर स्टार्ट हुआ है तो हम ये बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप बिजनेस या तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, या फिर हम ये बोलेंगे बेटा कि इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। क्लियर? सारे जवाब दे दो वरना क्लास के बाहर निकाल दूंगा। यहां तक समझ में आया? रुको, किसने किसने जवाब नहीं दिया इस बार निकाल ही देता हूं। फिलहाल अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर बेटा आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया है, यानी अगर आपकी ओरल डीड हुई है, मतलब जिसके अंदर हमने कोई रिटन एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो उस केस में बेटा हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहला रूल ये बेटा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा पार्टनर्स में, इक्वल यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर पार्टनर्स ने बेटा रिटन एग्रीमेंट नहीं किया है तो उनको हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल प्रपोर्शन में रखना होगा। दैट मींस अब जरा समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे बेटा। मान लो मैं बोलता हूं गौतम, दिशा और गुलाटी, ये तीन लोगों ने मिलकर के बेटा पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मान लो गौतम ने 5 लाख रुपए लगाए, दिशा ने 3 लाख रुपए लगाए और गुलाटी ने 2 लाख रुपए लगाए, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका बनना चाहिए? गौतम का, देन दिशा का, देन गुलाटी का। एग्री करते हो इस बात से? ठीक। लेकिन बेटा अगर आपने रिटन एग्रीमेंट आपस में इस बिजनेस के लिए साइन नहीं किया, तो अब डजंट मैटर आपने कितनी कैपिटल लगाई हो, लेकिन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। भाई सारे बच्चे समझे इस बात को? फिर निकाल दूंगा अगर सबका जवाब नहीं आया तो। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझना बेटा, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स को मिलता है, क्योंकि पार्टनर्स और बिजनेस यानी पार्टनरशिप सॉरी पार्टनर्स और पार्टनरशिप बिजनेस बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो दोनों की अलग अलग एंटिटीज होती है बेटा। तो अगर पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया बेटा, तो उस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पे पार्टनर को क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। बट सिंस अगर आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं साइन किया, यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो क्या आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो दैट मींस व्हाट कि पार्टनर इज नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर सारे? ओके। सिमिलरली बेटा अगर बिजनेस ने, अब एक चीज और ध्यान से समझना, अगर पार्टनर्स ने बेटा बिजनेस में से कुछ भी पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, दैट इज ड्रॉइंग, तो बेटा उसको बिजनेस को पे करना पड़ेगा उस ड्रॉइंग के लिए इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन अगेन जब अगर आपने पार्टनरशिप डीड साइन ही नहीं की है, तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करोगे? नहीं पे करोगे। तो दैट मींस देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिमिलरली जब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो बेटा ध्यान रहे पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलेगा। ठीक, ओके। अब ध्यान से यहां तक समझना, जरा कुछ बता रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या थी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, इन तीनों में से पार्टनर को कुछ भी मिलेगा? ओके, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना पड़ेगा? नो सर। ठीक, अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर विल बी कितना परसेंट पर एनम? 6% पर एनम फिक्स्ड रहेगा। इसका रीजन है पहले वो समझ लो आप। देखो बेटा, बिजनेस और बिजनेस के पार्टनर ये होते हैं बेटा इंटरनल यूजर्स, मतलब ये बिजनेस के इंटरनल यूजर्स होते हैं। बट अगर बेटा बिजनेस या पार्टनर ने लोन लिया है तो लोन जिससे भी लिया होगा वो आउटसाइडर है बेटा, एंड आउटसाइडर को बेटा कोई ना कोई अमाउंट मिलना जरूरी है क्योंकि उसने आपको लोन प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए बेटा रूल के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने सपोज करो एब्सेंस है यानी आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में बेटा आपको लोन पे इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी है जो कि फिक्स रहेगा कितना परसेंट पर आना। ओके, अब बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट लोन पे लेट से 7% चल रहा हो तो पार्टनर के लिए तो बेनिफिट हो गया। तो बेटा ध्यान रहे, पार्टनर के लिए बेनिफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। मान लो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 5.5% चल रहा हो, लेकिन सिंस आपका बिजनेस में बेटा रिटन एग्रीमेंट हुआ नहीं है तो अब आपको 6% पे करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है ये पार्टनरशिप एक्ट में फिक्स हो चुका है, मतलब रूल डिफाइन हो चुका है। तो उस केस में अगर पार्टनर लोन लेता है या बिजनेस लोन लेता है बेटा, और अगर आपकी रिटन एग्रीमेंट साइन नहीं हुई है तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है कितना परसेंट पर एनम? 6% पर एनम। एंड द लास्ट रूल बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ध्यान रहे, कोई भी नया पार्टनर, आई रिपीट, कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में एड होना चाहता है बेटा, तो ध्यान रखना उसको ऐड होने के लिए, मतलब नए पार्टनर को बिजनेस में ऐड होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। और वो कंडीशन ये है बेटा कि नया पार्टनर बिजनेस में तभी ऐड हो पाएगा जब सारे के सारे पार्टनर एग्री करेंगे बिजनेस में ऐड करने के लिए। मतलब सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ कि चार पार्टनर्स है बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ ए है, बी है, सी है, डी है, और नया पार्टनर ई बिजनेस में ऐड होना चाहता है। सिंस बिजनेस के अंदर रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है यानी एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो नया पार्टनर जो ई है ये तभी ऐड हो सकता है जब ए, बी, सी और डी चारों के चारों पार्टनर एग्री करेंगे। मान लो बेटा सी ने मना कर दिया, ए, बी और डी ने एग्री कर दिया, हमें ये दिख रहा है कि मेजोरिटी तो है लेकिन ध्यान रहे बेटा तब भी वो नया पार्टनर बिजनेस में ऐड नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज क्योंकि एक पार्टनर ने मना कर दिया है। तो कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में तभी एडमिट होगा जब सारे के सारे पार्टनर एग्री करेंगे उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए। बात समझे सारे एवरीवन? निकाल दूंगा मैं, सच बता रहा हूं। ओके ठीक, तो एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं सो दैट ये चीज आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाए। इस बार पूछूंगा मैं आप लोगों से बेटा प्रॉफिट शेयरिंग, अगर रूल्स नहीं हुए मतलब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ बेटा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो उस केस में रूल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू आवर पार्टनर, ओके नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके नॉट चार्ज फॉर द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरा बोलो बेटा, हाँ 6% पर एनम आप लोग बोलेंगे बेटा, ठीक है। एंड अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होना चाहता है तो ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स को एग्री करना जरूरी है। भाई सारे बच्चों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से हेडिंग डाल के इसको नोट करो बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरे हिसाब से आप लोग इस बात से एग्री करते होगे, पहले मैं आप लोग से पूछ ही लेता हूं बेटा, जो सबसे पहले प्रॉफिट आता है वो बिजनेस का आएगा या पार्टनर का आएगा? चलो तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले अगर प्रॉफिट बिजनेस का आया तो सबसे पहले बिजनेस क्या करेगा, उस प्रॉफिट में से किसके एक्सपेंसेस पे करेगा?
एंड देन आउटसाइडर मतलब एक्सटर्नल यूजर्स के, एंड देन उसके बाद वो किसके एक्सपेंसेस या किसके पेमेंट्स करेगा, दैट मींस पार्टनर्स की। ठीक है, तो मतलब ये बेटा कि सबसे पहले बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, बिजनेस उस प्रॉफिट में से आउटसाइडर्स के एक्सपेंसेस पे करेगा, एक्सपेंसेस पे आउट करने के बाद बेटा जो प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है, जो प्रॉफिट बच जाएगा वो बिजनेस पे करेगा पार्टनर को। बात समझ में आई यहां तक? ओके, अब इस चीज को जरा एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। हमें यहां पर दो लेजर अकाउंट बनाना होगा बेटा, ठीक है, स्टार्टिंग में। एक बनेगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है, और एक बनेगा बेटा हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे बेटा। सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? पीएनएल अकाउंट। एंड देन हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? ओके, तो सिंपल सा फैक्ट ये बेटा कि पीएनएल अकाउंट बिजनेस प्रिपेयर करेगा किसके एक्सपेंसेस को पे करने के लिए? आउटसाइडर्स। एंड सिमिलरली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बेटा बिजनेस ही क्रिएट करेगा, लेकिन किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। भाई सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझे? ठीक, तो मतलब ये बेटा कि हमें पीएनएल अकाउंट बनाना भी सीखना है और सिमिलरली हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये दोनों लेजर अकाउंट यानी पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करेगा फर्म। बस फर्क ये, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ध्यान से देखें पार्टनर्स के लिए प्रिपेयर होगा, जबकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बेटा आउटसाइडर्स के लिए प्रिपेयर होगा। बात समझे सारे बच्चे यहां तक? ओके, एक लास्ट पॉइंट और, सिंस हम यहां पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं बेटा, तो हम रूल फॉलो करेंगे नॉमिनल अकाउंट का। एंड नॉमिनल अकाउंट का जरा रूल बता दिया जाए। ओके, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। भाई सारे बच्चे ये पॉइंट से क्लियर हैं? तो मतलब ये बेटा कि जब हम इस लेजर अकाउंट को फॉलो करेंगे तो डेबिट साइड सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस या लॉसेस आए होंगे बिजनेस के, और क्रेडिट साइड बिजनेस का प्रॉफिट या गेन्स आए होंगे या इनकम्स आए होंगे। क्लियर बेटा? क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड अगर हमें कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आप समझे बेटा, पीएनएल अकाउंट बिजनेस क्रिएट करता है किसके एक्सपेंसेस को पे करने के लिए? ओके, जरा सा आते हैं पुराने सालों की यादों में, ठीक है, और अगर आपकी यादें ताजा हो तो हमने क्या सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा था? ओके, चलो अच्छी बात है। एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो हम उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, याद आया? सिमिलरली अगर आप चेक करो, क्या क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन दिख रहा है आप लोगों को? ओके, एंड अगर आप लोगों को याद हो बेटा, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे, याद आया? ओके, बस अच्छी चीज ये बेटा कि सोल प्रोप्राइटर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे होते थे, बट पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बेटा तीन ही आउटसाइडर एक्सपेंस हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। और वो तीन एक्सपेंस क्या है? मैनेजर को कमीशन पे करना, रेंट पे करना और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, क्योंकि लोन हमने बेटा किसी आउटसाइडर से ग्रांट किया होगा तो उस पे हमें इंटरेस्ट यानी वो हमारा आउटसाइडर का पेमेंट है। रेंट यानी हमने किसी और की प्रॉपर्टी पे रह के बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उस पे बिजनेस का रेंट देना पड़ेगा। एंड सिमिलरली मैनेजर को एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पे कमीशन देना है जो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अर्न करेगा, तो वो भी हमारे लिए कैसी पेमेंट हो गई? आउटसाइडर्स पेमेंट हो गई। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक दो तीन, ये तीन एक्सपेंसेस अगर हम डिडक्ट कर दें तो बेटा जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा बिजनेस का, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे?
नेट प्रॉफिट। एंड बेटा नेट प्रॉफिट को फिर हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के लिए, जिसके लिए हम बात करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यानी इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहले बता, बात समझ में आई? बोलो। आए बच्चा, मान लो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 का था, ठीक है। अब हमने मैनेजर को कमीशन पे किया लेट से 5,000 रुपीज, रेंट हमने पे किया लेट से 15,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना पड़ा लेट से 10,000 रुपीज। अब अगर आप नोटिस करो, हमें ड्यूअल एंटिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी होता है, या मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना जरूरी होता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 15 प्लस 20 30 20,000 रुपीज। अब पॉइंट ये, अब ध्यान से समझना, सिंस हमारा इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड कम है, तो इसीलिए वो अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। सिंस मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में किस साइड आया है? इसीलिए डेबिट साइड है भाई। सारे बच्चों को क्लियर? सारे। अब हम बात करेंगे जरा एक और फॉर्मेट की, दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन अगेन इस फॉर्मेट को कौन प्रिपेयर करेगा, यानी ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाएगा? फॉर्म यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे भी हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? अगेन नॉमिनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करेंगे। बस फर्क ये है कि पीएनएल अकाउंट बाकी आउटसाइडर्स के लिए मतलब बनता है बेटा, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरनल यूजर्स के लिए यानी स्पेशली पार्टनर्स के लिए बनता है। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन पे कर रहा है तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस होता है। एंड सिंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा, ये हम प्रिपेयर करते ही किसके लिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो यहां पर इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि बिजनेस के लिए क्या इनकम है एंड बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस हैं। बात समझ में आई? ठीक। चलो सबसे पहले हम सर क्रेडिट साइड देखते हैं कि बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिट या क्या इनकम हो सकती है बेटा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, देखा सब बच्चों को? ध्यान से समझना बेटा, अभी हमने जब पीएनएल अकाउंट बनाया तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ गया था? नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर कौन से अकाउंट में करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई बच्चे समझे इस बात को? सारे बच्चे समझे इस बात को? तो यही नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर आया, इसको हमने ट्रांसफर किया है बेटा कहां पर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड किस नेम से? बाय पीएनएल अकाउंट के नेम से। सारे बच्चे क्लियर हैं? अरे भाई और भी बच्चे हैं, सारे क्लियर हो यहां तक? ओके नाउ अब जरा समझना बेटा, क्रेडिट साइड एक और आइटम आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब खुद सोचो बेटा, अगर पार्टनर ने बिजनेस में से कुछ भी पैसा विड्रॉ किया है और उस पे वो इंटरेस्ट पे करेगा तो वो पे करेगा फर्म को। ऑफ कोर्स पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस है, बट हम पढ़ रहे हैं बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये इनकम है। बात समझे? ठीक। तो सिर्फ बिजनेस के लिए ये इनकम है, इसीलिए बिजनेस के किस साइड गया यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के किस साइड गया? क्रेडिट साइड गया। क्लियर सारे? ओके। अब जरा समझो बेटा, बिजनेस पार्टनर को जो पेमेंट करेगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पोस्ट होगा। बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है, बिजनेस पार्टनर को बेटा सैलरी पे करता है, बिजनेस पार्टनर को कमीशन पे करता है। तो ये सिंस ये तीनों चीजें पार्टनर को पे करना होता है और बिजनेस पे करता है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये तीनों आइटम्स किस साइड गए? डेबिट साइड गए। बात समझे सारे बच्चे?
एवरीवन। अच्छा एक पॉइंट है जरा वो समझना, यहां पर लिखा हुआ बेटा टू रिजर्व, अब ये चीज ध्यान रखना, सिंस रिजर्व जो बिजनेस में क्रिएट किया बेटा वो प्रॉफिट में से क्रिएट किया हुआ, हालांकि वो पार्टनर्स को अभी नहीं दे रहा है लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट में से क्रिएट किया है और उसकी वजह से प्रॉफिट का पोर्शन कम हो रहा है, तो इसलिए इस रिजर्व को हमने क्या कंसीडर किया है, डेबिट साइड कंसीडर किया है। मतलब ये बेटा कि मान लो बिजनेस का प्रॉफिट था लेट्स से 1 लाख रुपीज और उसमें से आपको 10% का अमाउंट रिजर्व में रखना जरूरी है, तो मतलब ये बेटा कि बिजनेस के प्रॉफिट यानी 1 लाख में से हमने 10% यानी 10,000 रुपीज रिजर्व में रख लिया, ठीक है, और इस रिजर्व की वजह से अब हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, ठीक है, तो मतलब ये कि अभी अगर हम मान लो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो सिर्फ 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जबकि प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज, तो वो जो 10,000 से रिड्यूस हुआ वो क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्व की वजह से, तो इसलिए रिजर्व बिजनेस के प्रॉफिट को कम करता है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं बेटा एज एन एक्सपेंस करेंटली जो कहां पोस्ट होगा, डेबिट साइड पोस्ट होगा। बात समझे सारे बच्चे, सारे ठीक, ओके। अब जरा समझना बेटा हुआ क्या है, सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बना जहां पर बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पे किया, बचा हुआ प्रॉफिट वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा है, तो फर्म ने सबसे पहले देखा कि उसके पास नेट प्रॉफिट कितना है और उसके पास पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट आया, तो ये बन गई बेटा बिजनेस की टोटल इनकम, ठीक, क्रेडिट साइड में। अब उसमें से बेटा उसने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया, रिजर्व मेंटेन करके रख लिया, अगर अभी भी बिजनेस के पास कुछ भी प्रॉफिट बच गया तो वो अब प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। बात समझ में आई सब बच्चों को, ठीक, फॉर एग्जांपल सपोज करो रेशियो इक्वल है, ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ था लेट्स से 90,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें सारे दोनों पार्टनर से मिला के मिला 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर दिया दोनों पार्टनर्स को 20,000, सैलरी और कमीशन मिला के हमने पे कर दिया 30,000 और रिजर्व हमने क्रिएट किया सपोज करो 10,000, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल बिजनेस के पास इनकम दैट वाज 1 लाख रुपीज, जिसमें से बिजनेस ने 20, 30 और 10 ये तो पे कर दिए पार्टनर्स को और रिजर्व मेंटेन कर दिया, अभी भी बिजनेस के पास कोई प्रॉफिट बचा है, कितना अमाउंट बचा है, 40,000, और मान लो अगर रेशियो इक्वल है तो वो ए और बी को किस रेशियो किस अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, भाई बच्चों को बात समझ में आई, तो सारे बच्चों को पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना,